रुक कर दें कर्नाटक का, जहां के रण में प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु में रोड शो कर रहे हैं। बेंगलुरु में पीएम मोदी का 26 किलोमीटर लंबा रोड शो है। 17 विधानसभा क्षेत्रों में पीएम मोदी का रोड शो है। सादामी हावेरी में पीएम की जनसभा भी होनी है। 10 मई को मतदान होना है और उससे पहले बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ कर्नाटक के रण में जोर आजमाइश करती है, क्योंकि सरकार वहां बीजेपी की है। 118 विधायक बीजेपी के हैं और बीजेपी यहां सत्ता रिपीट करना चाहती है, और उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार बैक टू बैक वहां सभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का पूरा फोकस कर्नाटक के चुनाव पर, जहां की सियासी फिजा में बजरंग बली आ चुके हैं, केरल फाइल्स आ चुकी है, 4% मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा गर्मा चुका है, और विकास के मुद्दे कहां तक पहुंचे हैं ये शायद वहां कोई बताने वाला नहीं। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि कड़ी से कड़ी जोड़िए, विकास निरंतर होता रहेगा, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि 40% करप्शन वाला स्टेट है, यहां सत्ता को बदलिए अगर आप चाहते हैं कि विकास हो। लेकिन इस विकास के मुद्दे के बीच में धार्मिक कार्ड जमकर खेला जा रहा है, और 10 मई को वोटिंग होगी, 224 सीटों पर वोटिंग होगी। वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो कुर्बा 7%, आदिवासी 8%, मराठा 8%, और ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी का स्वागत किस तरीके से किया गया, पारंपरिक तरीके से वहां स्वागत किया गया। वहीं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां इस रोड शो के दौरान दी गई हैं। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मोदी मोदी के नारे सुनाई देते रहे, और वहीं पुष्प वर्षा भी इस रोड शो के दौरान आकर्षण का केंद्र रही। अमूमन हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे रोड शो की संस्कृति सियासत में घुल रही है, उसकी भव्यता हर बार पहले से ज्यादा नजर आती है। और मानकर चलिए वो दिन शायद दूर नहीं जब इस तरीके के रोड शो के दौरान आपको झांकियां भी नजर आने लगेंगी। उस राज्य में कौन कौन से विकास के काम हुए, हो सकता है उन विकास के कामों से सजी हुई झांकियां आपको रोड शो में आकर्षण का केंद्र नजर आए, यानी कि जो हम 26 जनवरी पर राजपथ पर देखते हैं वो आपको रोड शो के दौरान अलग अलग प्रदेशों में विकास से जुड़ी झांकियों के जरिए दिखाई दे।